ओबियसली तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो इस लोकेशन का करेंटली नाम है न्यू माता देवी वैष्णव मंदिर, जो करीबन उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर है। और इस साइड से राजसमंद से आप आओगे, अदरवाइज उदयपुर उस साइड है। तो अब चलते आइए। सही में चाय पीने के टाइम तो गाइज आज जहाँ हम निकल रहे हैं, जगह का नाम तो मैं आफ्टर बताऊंगा, बट अभी जो करंटली हम है वहाँ डेगोड है। तो जो हमारी दूरी है करीबन 100 किलोमीटर। गाइज अभी हम आमेट पहुंचे हैं। तो आप ओबियसली आमेट के अगर हो, जिस किसी ने भी सर्कल को देखा हो, तो उसके पास ये नाश्ता है भैरवनाथ। तो ओबियसली आप यहाँ पर आके ट्राई करें, अच्छा। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं राजनगर। तो करीबन हम यहाँ पे अराउंड 1 घंटा रुके और नाथद्वारा से हमने चाय पी के फिर वापस हम निकले वैष्णो देवी के लिए। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो इस लोकेशन का करेंटली नाम है न्यू माता देवी वैष्णव मंदिर, जो करीबन उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर है। और इस साइड से राजसमंद से आप आओगे, अदरवाइज उदयपुर उस साइड है। तो अब चलते आइए। मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। तो ये रहा हमारा बैक साइड में मेन डोर। वैसे हॉरर टाइप वाइब आ रही है, बस इसमें कलर ग्रेडिंग हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी ये ट्री है ओपी। आई थिंक रास्ता इधर है, अदरवाइज इस साइड में आई थिंक आने वाले टाइम पीरियड में गौशाला बने की सूत्रों के मुताबिक। और ये गेट कुछ अंदर से इस टाइप दिख रहा है। आप देख सकते हो कि मंदिर हो रहा बैक साइड में इतना ऊपर है। रूट तो अच्छा है चलने में, बट आने में हमें कठिनाई तो क्या है। मॉर्निंग में अराउंड हम निकले थे 10 बजे ग्राम, तो बाइक पे हमें 3 घंटे लगे। तो 3 घंटे हम पहुंच भी गए, बीच में एक दो स्टेप भी थे, स्टेप क्या सॉरी स्टॉप थे। जय माता दी ऐसे लिख रखा है जो दिख रहा है अभी करेंटली। और ये साउंड सिस्टम था बैक साइड में जो आपको मेरे बैकग्राउंड में जो सुनाई दे रहा होगा। प्यास लग रही है, एक बार पानी पी लेते हैं। बाकी जो कलाकृति देख रहे हो, ऐसे लकड़ियों की जो भी कर रखी है इन्होंने, एक छोटा सा जो भी इंफॉर्मेशन के लिए एक बोर्ड लग रहा है जहाँ पे सिनेमा हॉल, 12 ज्योतिर्लिंग और माता देवी के 12 जो भी दर्शन और लोबी है कुछ देख सकते हो। अदरवाइज वादियों में आ गया, बट गर्मियों में वादियों में आया, सर्दियों में नहीं आए भाई। और ऊपर आई थिंक ऐसे हो के ऐसे तो गाइस आई थिंक वो आपको दिख रहा होगा मेन डोर। वहाँ से हम आए, फिर ऐसे हो के ऐसे हो के ऐसे हो के यहाँ पे हमने जूते खोले। उसके आफ्टर ये आगे का रूट ऐसे मंदिर में जा रहा है, तो चलते हैं। वैसे हमने भी जूते खोल देते हैं। और अभी तक ये आधा काम बाकी है, इसलिए वो कपड़ा लगवा है भगवा कलर का। बाकी ऐसे व्यू के लिए तो मैं तारीफ करूँगा इसकी, लोकेशन अच्छी चूज़ की है। देखो अदरवाइज ये मतलब वहां से लेके ये पूरा पहाड़ी है ऐसे, जैसे ये खुद जहाँ मंदिर बना हुआ ये भी पहाड़ पे ही है। बाकी जब ये ऐसे बारिश के मौसम में एक अलग ही व्यू पॉइंट रहेगा, जैसे कि यहाँ से सनसेट देखने का एक अलग ही नज़र रहेगा। तो गाइस वो ऐसे एंटर गेट है, मतलब इस जो भी एक साइड से हम एंटर होते इस गुफा में, तो भी आगे की ओर चलते हैं। वैसे गुफा में वाइब भी वही आ रही है जैसे ओरिजिनल टाइप हो, स्पेस भी बहुत कवर किया है। कहीं कहीं अंधेरा है, कहीं कहीं सन पॉइंट रखे हैं इन्होंने लाइट आने के लिए। ओहो ये लंबी डायरेक्ट भी काम चल रहा है।
अदरवाइज प्रॉपर गोपा की वाइब आ रही है, अगर आप कभी अगर एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये आप ऊपर देखिए ऐसा पूरा वाइब दे रखी है कि जैसे कि कोई रियल पत्थर रहा फील हो रहा है जैसे कि। अदरवाइज ये चलिए आगे की ओर और इस साइड में जैसे छोटा सा मंदिर है जो भगवान का दर्शन के लिए आगे, वहाँ पे वीडियो लाभ नहीं है तो ऑब्वियसली एज अ मेरा चेहरा लाभ नहीं है तो मैं फ्रंट कैमरा ऑन करूँगा। इट साइड से दर्शन किए या फिर ये बाहर आने का रास्ता और ये फाइनली बाहर आ गए। जहाँ हमारा साथी आगे हमारा वेट कर रहा होगा, जहाँ से हम एंटर हुए थे वहीं पे वापस आ पहुँचे हैं। जैसे कि हमने यही जूते खोले थे हमारे सामने, तो हमने दर्शन कर लिए। अब नीचे हॉल है वहाँ पे चलते हैं, जो लॉबी थी वहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे। तो ऊपर दर्शन किए थे, उन्होंने तिलक भी किया था बट गलती से मिट गया था। और उन्होंने प्रसाद के साथ एक सिक्का दिया था ये, जिस पे लिख रखा है वैष्णव देवी मंदिर उदयपुर 2024, जो आप देख सकते हो ये रहा। आफ्टर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। बाकी अब वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि इस प्लेस के लेके आप एज ए फैमिली के साथ आओ अच्छा है। और हमने अभी तो दर्शन किए, अब हम चलते नीचे की ओर जहाँ पे एक सिनेमा हॉल बाकी है, 12 ज्योतिर्लिंग और साथ वो भगवान की जो दिव्य स्थल है वो भी है। अदरवाइज ये व्यू के लिए तो मैं आपको पता ही है, व्यू तो मेरे लिए फॉर एवर है। व्यू के लिए तो कुछ भी करेंगे, सनसेट तो ऐसे रेगुलर चाहिए होता है। तो वापस अब नीचे की ओर चलते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे जो बुजुर्ग आते हैं उनके लिए बैठने का बना रखा है। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ, यहाँ पे वो एक कपल देख लिए थे आप, देख साइड में रेस्ट कर रहा मीन बैठा हुआ है। तो अच्छा किया इन्होंने ये बना के, क्योंकि अपने जैसे नौजवान तो चल लेते बी कंटिन्यू। इस साइड से ऊपर से हम आए थे नीचे, तो ये ऐसे सिनेमा होने के लिए रास्ता और ये मेन गेट है। यहाँ पे अंदर ऐसा है कि कुछ धार्मिक मूवी चल कुछ दिख भी नहीं। ये माता अंदर ऐसे स्पेस अच्छा, अराउंड आई थिंक 500 जने इस हॉल में आ सकते हैं। ऐसे जो माता जी की मूवी थी तो मैंने पूछा था, अराउंड वो 1 घंटे की मूवी थी, तो आप आइए और देखिए, फ्री टिकट है। तो इसमें ऐसा है कि सीट बेल्ट भी लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली लगाएंगे। और वो ऐसा स्क्रीन हो रही तो मैं ऐसे यहाँ बैठता हूँ। वेट भैया, तो सीट बेल्ट लगा देते। वेट वेट भैया, तो कुर्सी की पेटे बांध लीजिए। तो कुर्सी की पेटे बांध लिए गाइस हमने। इसे पूरा सेकंड वाला सिनेमा, तो फर्स्ट वाला मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये भैया जो आइनक दे रहे तो ऑब्वियसली हमें भी देंगे, शाहरुख खान वाली। सही में तो गाइज इनका ऐसे यहाँ पे जो गाइडेंस है वो फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें ऐसा है कि सीट बेल्ट और ऐसे पाँव को ऐसे सामने टच नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे पूरी वाइब देगी, ऐसे हिलेगी जो भी डुलेगी। सीट बेल्ट लगा ली और हमने हमारा 5 स्टार आइनक पहन लिए, तो अभी इसके बाद हमारी राइड स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमारा साथी अलग ही ब्लॉगिंग कर रहा है, वो देख लीजिए आप अपने आप में।
यहाँ पे दो सिनेमा हॉल है, इस साइड में जो नॉर्मल मूवी दिखता है और साइड में है 7D सिनेमा हॉल है ना, तो आप मेरा ओपिनियन है कि इसमें जाके ट्राई करें, इसमें कुछ अलग ही एडवेंचर है। ठीक है, तो आप 70 में जाके ट्राई करें, अदरवाइज उस वाले में 1 घंटे की मूवी चलेगी वो, ऑब्वियसली आप देखो, मेरी तो ये ओपिनियन है, बाकी ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा। और ये सेकंड फ्लोर ऐसा ऊपर से डाउन आए तो है ना, तो इसमें ऐसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग और वो 12 माता जी की वो मूर्ति है। अभी हम जिस हॉल में, जहाँ पे आई थिंक इस साइड में माता जी, इस साइड में शिवलिंग है जो 12 शिवलिंग, तो आप ये देख सकते हैं इस साइड में है माता जी के 9 रूप। पर्टिकुलर एक एक रूप दिखाता हूँ, क्लोज में जाकर उनके नाम भी दिखाता हूँ। जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो, ये पूरी लाइन जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो पर्टिकुलर कहाँ कहाँ स्थित है वो पूरे उनके नाम और वो भी जो डिटेल दे रखी है कि ये कहाँ पे स्थित है, वो मैं आफ्टर आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस मेरे इस साइड में 12 शिवलिंग और बीच में ये नंदी, अगर भगवान ने चाहा तो इनमें 12 ही ज्योतिर्लिंग जाऊँगा सिंगल, अदरवाइज भगवान की जो मनोकामना होगी वो होगी, बाकी मैं मेरा ट्राई करूँगा कि जो मूर्ति है वो भी कहाँ कहाँ स्थित है और उनके नाम के सहित मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये हॉल देख सकते हैं कि आप, यहाँ पे बहुत ही स्पेस है, बाकी आने वाले टाइम पीरियड में लिफ्ट एक्टिव हो जाएगी, अभी करेंटली ऑन नहीं है, बाकी अभी भी कार्य यहाँ पे चल रहा है। बाकी जब अपन ने फर्स्ट टाइम में हम जब ऊपर दर्शन के लिए गए थे, तो मैं आपको एक बार वो पुणे दिखा देता हूँ, श्रद्धालु की भीड़ तो अभी भी करेंटली बहुत है, और जब हम फर्स्ट हॉल ऑफ आते ही वहाँ दर्शन के लिए गए थे वहाँ टॉप पे, जो भी आप देख सकते हैं। बाकी अदरवाइज हम वापस वहाँ से नीचे की ओर आए। मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये करीबन उदयपुर से 17 किलोमीटर दूर है, 4.25 लाख फीट में ये पूरा मंदिर बना हुआ है, जिसमें से 1 लाख फीट पार्किंग लोड के लिए यूज़ होगा, जो 3.25 लाख बचा हुआ है उसमें ये मंदिर का प्रांगण बना हुआ है। ये करीबन उदयपुर से 17 किलोमीटर दूर है और ये कैसे मानसून के टाइम पीरियड में ये जगह निखार के बाहर आएगी, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं और आके यहाँ पे ऐसे सुकूनदायक फील हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि मंदिर में वो पहाड़ियों में ही बसा हुआ कुल मिला के पूरा, और ये हाईवे पे ही है जो ऑब्वियसली कोई आने में कोई दिक्कत नहीं होती ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये मेन डोर है जहाँ भी हम जिसके सामने खड़े, तो आप आइए। जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में, मैं वो आपको सिक्का दिखाऊंगा, तो ये वो सिक्का है जो हमें दर्शन करते टाइम मिला था।